ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में जो डेंटिस्ट्री का फोकस है ट्रीटमेंट का या ट्रीटमेंट प्लानिंग का, वो टोटली चेंज हो गया है फ्रॉम द रेस्टोरेटिव एस्पेक्ट टूवर्ड्स कॉस्मेटिक एस्पेक्ट। आजकल कोशिश ये की जाती है कि दांतों को खूबसूरत बनाया जाए, उनके कलर को बेहतर किया जाए, और मरीज़ भी इसी तरफ आकर उनका ये कंसर्न होता है कि हमारे दांतों को आप खूबसूरत बना दीजिए और इसमें कोई डिफरेंट कलर्स या ब्लैक फिलिंग ना करें, वाइट फिलिंग्स करें या टीथ वाइटनिंग हमें करके दें। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सिंपल स्केलिंग पॉलिशिंग से वो प्रोसीजर नहीं होता। पेशेंट समझते हैं कि स्केलिंग पॉलिशिंग से दांत सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको गाइड करते हैं कि इसमें आपको टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग का प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा नोहाव देना चाहता हूँ कि होता क्या है प्रोसीजर, क्योंकि सब पेशेंट्स के जहन में कुछ इवहम रह जाता है, उनको समझ नहीं आती कि स्केलिंग और पॉलिशिंग में क्या फ़र्क है और टीथ वाइटनिंग में क्या फ़र्क है। स्केलिंग पॉलिशिंग में तो सिर्फ दांतों के जो स्केल्स बन जाते हैं या टार्टर या स्टोन्स बन जाते हैं या येलोइश प्लाक क्लियर होती है, उसको रिमूव किया जाता है और फिर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन टीथ वाइटनिंग में क्या होता है? अब इसमें एक तो टीथ वाइटनिंग जेल यूज़ की जाती है, आप अपने देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये टीथ वाइटनिंग जेल है, ठीक है। तो ये जेल यूज़ की जाती है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन परोक्साइड, कार्बामाइड परोक्साइड, सोडियम परबोरेट, इस किस्म के होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं जो टूथ का कलर है जो कि डार्किश या येलोइश हो चुका है, तो उसके अंदर वो पेनिट्रेट करके जो मॉलिक्यूल्स अंदर डार्किश हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से कलर ऐसा दे रहा है, उसको वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ये जेल, और ऑक्सीडाइज करके उसको फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स में करके जिनका कलर सिंपल मतलब कि वाइटिश होता है टुवर्ड्स द वाइटिश एस्पेक्ट, तो वो वाइट कर देता है कह लेंगे या लाइटर कर देता है उनको, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है? एक तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं जिसे हम चीक रिट्रैक्टर कहते हैं, मुंह को खोलने के लिए ताकि दांत कम्प्लीटली नज़र आए और उसके ऊपर हम जेल को अप्लाई कर सकें, ठीक है। इस जेल को अप्लाई कर दिया जाता है सारे दांतों के ऊपर, दांतों पे अप्लाई करके डायरेक्ट भी उसको लाइट से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आजकल ये मॉडर्न ये है कि एक ही गार्ड होता है, वाइट गार्ड इसे हम कहते हैं, मतलब इस तरह से टूथ है हमारे मुँह में उस तरह से बना होता है और ऐसे मुँह के अंदर प्लेस करके पेशेंट कहते हैं कि इसके ऊपर बाइट कर ले इस तरीके से। तो पेशेंट जब बाइट कर लेता है तो उसके बाद हम लाइट के लिए एक्टिवेशन करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दांतों पे अप्लाई कर देते हैं सारे जेल को, और यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं इन सर्फिसेज पे। इस जेल को हम यहाँ अंदर लगा देते हैं, इधर ऊपर भी और नीचे भी, और जब पेशेंट इसको बाइट कर लेता है तो ये जेल है ये कॉन्टैक्ट में आ जाता है टूथ के सर्फेस से, उसके बाद हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डीप बाइटिंग होती है।